बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो पहला लेक्चर है बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के ऊपर, तो उसके अंदर जो मैथमेटिक्स है, आम तौर पे अगर हम कंसीडर कर लें कि 20 मार्क्स का पेपर आना है मैथमेटिक्स में से। अच्छा, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता किसी पेपर में मैथमेटिक्स का क्या पोर्शन है, चाहे वो 10 नंबर का आना है, 20 का आना है या 30 का आना है। आपको ओवरऑल एक जो उसके अंदर का कंटेंट है उसको तो कवर करना ही करना पड़ना है, चाहे वो कितने भी मार्क्स का आना हो। इवन के सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर्स में, जैसे पीपीएससी का 20 मार्क का जीके आता है, उसमें मैथ सिर्फ 2 नंबर का होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं मैथ के, 2 या 3। उसके लिए भी आपको उतनी ही तैयारी करनी पड़ती है अगर आपने मैथ को एक कवरेज देनी है, जितनी चाहे वो 20 नंबर का आना हो या 30 मार्क्स का आना हो, जितना भी आना हो। हम फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट ये कंसिडर कर लेते हैं के एमओडी के पेपर में मैथमेटिक्स जो है वो 20 मार्क्स का आएगा। और आमतौर में एफपीएससी के जो पेपर होते हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एजेंसीज के पेपर हैं, जस्ट लाइक एफआईए, आईबी हो गया, एएसएफ हो गया, इन सब में भी 20 मार्क्स का मैथमेटिक्स आता है। मैथमेटिक्स जो है वो किन पोर्शंस को टच किया जाता है, जो हॉट फेवरेट टॉपिक है एफपीएससी में, तो ये चार टॉपिक दिए होते हैं सिलेबस में। सिलेबस में मेंशन होता है कि इन 4 टॉपिक्स में से आना है, लेकिन इससे थोड़ा सा हटके भी आ जाता है। और वो हटके किन किन पोर्शंस में से आता है, आमतौर पे जिन पोर्शंस को हिट करता है एग्जामिनर 1 पेपर एमसीक्यू के हवाले से मैथ को, वो हम देख लेते हैं। एक हो गया अरिथमेटिक मीन, जिसको एवरेज भी बोलते हैं, एवरेज निकालना बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेजेस निकालना, ठीक है, वो पूछ लेता है कि इतने मार्क्स आए, इतने में से क्या परसेंटेज होगी, ठीक है। एक जो है वो प्रॉफिट लॉस की रेशियो पूछ लेता है, 20% प्रॉफिट हुआ, 15% लॉस हुआ, तो कितनी अमाउंट बाकी बची। इस तरह बेसिक कंसेप्ट परसेंटेज होगा, बट क्वेश्चन की जो डायमेंशंस हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। वो चीजों को घुमा फिरा के उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, कि जब परसेंटेज के हम टॉपिक को करेंगे तो हम डिफरेंट क्वेश्चन जो पास पेपर्स में आए हैं उनको डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करेंगे कि वो परसेंटेजेस के क्वेश्चंस को किस तरह से घुमा के एग्जामिनर पूछते हैं। उसके बाद थर्ड आ जाता है रेशियोज, रेशियो निकालना। रेशियो के अंदर प्रोपोर्शन भी आ जाते हैं। रेशियो इनिशियल कंसेप्ट है, दो चीजों के दरमियान जो एक होता है, निस्बत होती है, उसको हम रेशो बोल देते हैं, 3:3:5, ये एक रेशो है, ठीक है। लेकिन जब इस रेशो के कंसेप्ट को ब्रॉडर टर्म पे लेके जाते हैं तो वो बन जाता है प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के 8 जो हैं वो मजदूर हैं, वो एक काम को, एक घर बनाने में, एक बिल्डिंग बनाने में 20 दिन लेते हैं। अगर मजदूरों की तादाद 12 कर दी जाए तो फिर कितनी देर में बिल्डिंग बनेगी, ये प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है। इसके लिए हमें कुछ जो है वो फार्मूलाज याद करने पड़ते हैं, इक्वेशंस याद करनी पड़ती हैं, उन इक्वेशंस में इन चीजों को पुट करते हैं हम, तो आंसर इजीली हमारे पास निकल आता है। या वो पूछ लेता है जी के 30 खिलौने हैं, वो 150 के आते हैं, तो इतने खिलौने, 60 खिलौने, वो कितने के आएंगे, ये भी एक प्रोपोर्शन का हिसाब किताब है, तो इसको हम इंशाल्लाह तफसील में भी देखेंगे। फिर एक पोर्शन है अलजबरा का, अलजबरा का भी इम्पोर्टेंट पोर्शन है, अलजबरिक एक्सप्रेशन, a+b=c, x+y=z, इनमें से वो पूछ लेता है वाई की बताएं जी क्या वैल्यू है, एक्स और जेड की दी होती है, या इसी तरह। ये एक आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, इन जो है टॉपिक्स को हमने जो डिस्कस है वो इन लेंथ करना है आगे चल के। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं, वो नंबर सीरीज पूछ लेता है, नंबर सीरीज आपने कंप्लीट करना होता है। फॉर एग्जांपल वो कहेगा 3, 5, 7, 9, इससे आगे क्या आना है, नेक्स्ट जो डिजिट है वो क्या आना चाहिए, ये नंबर सीरीज की कंप्लीशन कहलाती है। तो इसके अंदर भी आपने जो है वो देखना होता है कि उसने इन
जो पहले वाले वर्ड्स हैं उनको किस रेशियो में बढ़ाया है, 3, 5, 7, 9, किस तरह से वो ये ओड नंबर लिखे हुए ना, नेक्स्ट जो है वो 11 आना चाहिए, या आप ये कर लें 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9 और 2, 11, हर किसी में उसने 2, 2 ऐड किया हुआ है, तो नेक्स्ट डिजिट जो है वो आपका आंसर 11 होना चाहिए था यहाँ पे। ये इस तरह के नंबर सीरीज के क्वेश्चन कहलाते हैं, या वो देख पूछ लेता है 3, 6, 9, 12 और नेक्स्ट क्या होगा। अब यहाँ 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 यहाँ पे 15 आना चाहिए था। ये आपने कुछ जो है वो अपनी एनालिटिकल रीजनिंग यूज करते हुए नंबर सीरीज को कंप्लीट करना होता है। एमओडी के पेपर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपसे पूछा जाता है कि एक जो इंसान है वो डिजिट्स के साथ अपने माइंड में कैसे कैलकुलेशंस कर सकता है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि इस पेपर के बाद जब आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे डिस्क्रिप्टिव और उसके बाद साइकोमेट्रिक में जाएंगे, तो साइकोमेट्रिक में भी ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 40 50 50 क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जिसमें आपने नंबर सीरीज को कंप्लीट करना होता है। बेसिकली वो आपके माइंड की जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है, उसको जज कर रहे होते हैं कि एक बंदा जो है माइंड प्रोसेस जो है वो किस तरह से उसका मैथमेटिक्स के हिसाब से ठीक है कि नहीं। नंबर सीरीज के अलावा जो है एज प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एज वो पूछ लेता है जी नजमा की वालदा की इतनी उम्र है, वो दूसरी जो उसकी सिस्टर है वो उससे 3 साल छोटी थी और अब उसकी एज कितनी होगी, इस तरह के आप क्वेश्चन देखते होंगे। एज प्रॉब्लम, डिस्टेंस प्रॉब्लम होती है, ट्रेन की लेंथ प्रॉब्लम्स होते हैं, ट्रेन इतनी स्पीड से जा रही है और 1 घंटे में वो इतना फासला तय करती है तो 20 मिनट में वो कितना फासला तय करेगी, इस तरह के क्वेश्चन। ये कुछ मैंने आपको एक जो है वो कुछ क्वेश्चन का दिया है आइडिया के पेपर में किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर्स देखिएगा, नंबर सिस्टम क्या होता है, कुछ नंबर कहलाते हैं नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4 ये जो है नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर को n से डोनेट करते हैं हम, शो करते हैं और ब्रैकेट में देखिए 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर जो हैं वो नेचुरल कहलाते हैं। पहले जो है वो जीरो का कंसेप्ट नहीं होता था, जीरो का कंसेप्ट एक मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अल ख्वारज्मी, मैथमेटिशियन है, उन्होंने दिया जीरो का कंसेप्ट। ऑल्दो आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो जो हिंदू लोग हैं वो अपना कोई ना कोई साइंटिस्ट अल ख्वारज्मी से भी पहले का पेश कर रहे होंगे, क्रिश्चियन अपना पेश कर रहे होंगे, ज्यूश अपना पेश कर रहे होंगे, हम अपने हिसाब से अल ख्वारज्मी को कहते हैं कि जीरो का कंसेप्ट इसने दिया था। जब इसने जीरो का कंसेप्ट दिया कि जीरो भी फिगर में होता है और इसकी इंपॉर्टेंस है, तो उसको जब शामिल किया गया नेचुरल नंबर में तो जो न्यू नंबर बने उनको कहा गया होल नंबर। होल नंबर का जो सेट है उसको डोनेट किया जाता है W से और उसके अंदर जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, आगे ये चलता जाएगा। अब पेपर में कैसे पूछ लिया जाता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 0, 1, 2 या 3, सबसे जो है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है। अब अगर आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं फिर ही आप टिक करेंगे ना जीरो को और वन को, कि इनमें से जो नेचुरल नंबर का राइट आंसर है वो वन है। और अगर वो यही ऑप्शन दे के पूछ लेता है होल नंबर सबसे छोटा कौन सा है तो आप फिर कहेंगे जीरो, आपको डेफिनेशन पता होगी तो आप राइट आंसर पे जाएंगे। और ये पास पेपर के क्वेश्चन भी हैं, ये पास पेपर ADIB 2014 का क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा हुआ है। अब अगर आपको नेचुरल नंबर की डेफिनेशन पता होगी तो ही आपको पता चलेगा ना कि सबसे छोटा नंबर वन है। और अगर यहां उसने पूछा होता स्मॉलेस्ट होल नंबर तो फिर आप वो कहते जीरो है। अगर उसने पूछा होता स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, किसी को पता स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, नहीं पता तो अभी हम उसकी डेफिनेशन देख के
निकाल लेते हैं कि प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है। टू होता है सबसे छोटा, वैसे प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर टू होता है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखिएगा, ऐसा नंबर जो एक से बड़ा हो और सिर्फ अपने आप पे ही डिवाइड हो वो प्राइम नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं दो से, एक नहीं जीरो नहीं होगा, एक नहीं होगा, एक से बड़ा उसको होना चाहिए और सिर्फ वो अपने ऊपर डिवाइड हो, किसी और नंबर पे वो डिवाइड ना हो एक के अलावा। एक तो सब पे डिवाइड हो जाएगा ना। फॉर एग्जांपल दो जो है इसको अगर डिवाइड करना हो तो ये सिर्फ दो पे ही डिवाइड होगा, पूरा पूरा डिवाइड। दो दो से डिवाइड हुआ, पीछे बचा एक, तो इसका मतलब दो जो है वो एक प्राइम नंबर है सबसे छोटा। दो के बाद क्या आता है? तीन। तीन को आपने डिवाइड करना हो, क्या ये दो से डिवाइड होता है? नहीं, ये भी सिर्फ अपने ऊपर ही डिवाइड होता है तीन से, पूरा पूरा तीन एकम तीन, तो तीन भी एक प्राइम नंबर हुआ। तीन के बाद आता है चार। चार को आप देखें डिवाइड करें, ये दो पे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब प्राइम नंबर मैंने बताया था वो नंबर जो अपने ऊपर ही सिर्फ डिवाइड हो या एक पे भी डिवाइड हो। हम एक को जरा साइड पे निकाल लेते हैं, हम डेफिनेशन यही रखते हैं जो नंबर अपने ऊपर ही सिर्फ डिवाइड होता है। लेकिन यहां अगर आप चार देखें, चार तो दो पे भी डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, दो एकम दो, दो दूनी चार, तो इसका मतलब जो चार है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। चार के बाद हम देखते हैं पांच। पांच दो पे डिवाइड होता है? नहीं। तीन पे डिवाइड होता है पूरा पूरा? नहीं। चार पे डिवाइड होता है? नहीं। किस पे डिवाइड होता है? ये अपने आप पे ही डिवाइड होगा पांच पे, पूरा पूरा पांच पे, तो पांच भी एक प्राइम नंबर है। उसके बाद आ जाए छह, बताइएगा छह प्राइम नंबर है या नहीं। नहीं, हाँ जी ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये दो पे डिवाइड हो रहा है, दो तीन छह पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, उसके बाद तीन पे भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। छह के बाद आ जाए सात। सात का बताएं प्राइम नंबर है कि नहीं। हाँ जी ये प्राइम नंबर है क्योंकि ये देखें ये दो पे डिवाइड करें इसको नहीं होता, तीन पे करें नहीं होता, चार पे करें नहीं हो रहा डिवाइड, पांच पे करें नहीं हो रहा डिवाइड, छह पे करें नहीं होता डिवाइड, सात पे डिवाइड होता है, अपने आप पे ही ये डिवाइड हो रहा है सिर्फ, तो सेवन भी एक प्राइम नंबर है। उसके बाद आ जाए एट पे। एट टू पे भी डिवाइड हो रहा है, फोर पे भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब एट प्राइम नंबर नहीं हो सकता। उसके बाद आ जाए नाइन पे। नाइन का बताएं प्राइम नंबर है या नहीं। आसिम कहते हैं नहीं, जवेरिया कहती है नहीं, रिजवान कहते हैं नहीं। हाँ जी नौ एक प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? ये तीन पे डिवाइड हो रहा है, तीन थी ये नौ, तो ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब हमें यहां से ये पता चला कि सबसे छोटा प्राइम नंबर एक तो होगा दो नंबर, और ऐसा नंबर जो अपने अलावा किसी और के ऊपर डिवाइड नहीं होगा, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहेंगे। इसके अंदर मुझे प्राइम नंबर बताएं कौन से हैं, ये सेट दिए हुए हैं ए बी एंड सी, इसके अंदर मुझे बताइएगा कौन सा सेट प्राइम नंबर का सेट है। जवेरिया बलोच कहती हैं सी, रहमान कहते हैं सी, जरताशा कहती हैं सी, आसिम कहते हैं सी, बिल्कुल ठीक।
क्यों? इस सेट में जो चार है वो दो पे डिवाइड हो रहा है, अपने अलावा भी किसी पे डिवाइड हो रहा है, दो दुनी चार, तो ये सेट प्राइम नंबर का सेट नहीं हो सकता। इस सेट में आ जाए, इसमें भी चार दिया हुआ है, इसके अलावा छह भी दिया हुआ है, छह भी दो पे डिवाइड होता है, चार भी दो पे, फिर आठ एक दिया हुआ है, वो भी दो, इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर का सेट नहीं है। थर्ड सेट जो आप बता रहे हैं, दो तीन पांच और सात, ये प्राइम नंबर का सेट है, क्योंकि ये चारों डिजिट अपने अलावा किसी और के ऊपर डिवाइड नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर, इसमें बताइएगा कौन सा हिंसा प्राइम नंबर नहीं है। क्या कहते हैं जी? 91 एक ने कहा 71, अच्छा, और एक ने कह दिया ऑल, और एक ने कह दिया नन। ये जो इनमें से 91 वाले हैं ये ठीक कह रहे हैं, इनका जवाब ठीक है, इनका इनाम जो है वो TCS करवा दिया जाएगा और पेपर वाले दिन इन्हें मिलेगा। 91 एक प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सारे नंबर किसी और पे डिवाइड नहीं होते, 91 जो है वो डिवाइड होता है, सात पे भी डिवाइड होता है, सात एकम सात, सात में नौ में से सात गया दो एक, सात तीन 21, ठीक है, 13 पे भी डिवाइड होता है, 13 सात 91, हाँ जी 13 पे भी डिवाइड होता है। ऊपर वाले जितने हैं 31 किसी पे डिवाइड नहीं होता, वो एक प्राइम नंबर है, 61 किसी पे डिवाइड नहीं होता, वो एक प्राइम नंबर है, 71 किसी पे डिवाइड नहीं होता, वो भी एक प्राइम नंबर है, बट 91 जो है वो डिवाइड होता है, इसलिए ये एक प्राइम नंबर नहीं है। अब देखें, अभी तक तो बातें चल रही थी 10th लेवल की, अब आ जाते हैं FSC लेवल में। द सम ऑफ फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर इज, पहले पांच प्राइम नंबर का सम क्या होगा, 11, 18, 26 या 28? पहले पांच प्राइम नंबर क्या है, शुरू करें दो से, दो है, तीन है, चार नहीं है, पांच है, सात है, आठ नहीं है, नौ नहीं है, दस नहीं है, और ग्यारह है। ये पहले पांच प्राइम नंबर हैं और इनका उसने सम पूछ लिया है, इन्हें आप ऐड करें, तीन और दो पांच, पांच पांच दस, तो सात सतारह 28, 28 इज द राइट आंसर। देखें, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को एक तो अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है, बल्कि मैथमेटिक्स भी क्या, कोई भी क्वेश्चन सबसे पहले तो बात यह है कि आप उसको अंडरस्टैंड करें, एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, वो ना बताएं जो आपको आता है, बल्कि वो बताएं जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है। थोड़ा सा तहम्मुल के साथ स्टेटमेंट पढ़ के, नीचे आंसर पढ़ के आप उसके आंसर का क्वेश्चन करें, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। जो अदारे हैं वो आपकी ऑब्जेक्टिविटी सबसे पहले चेक करते हैं कि आप चार आंसर्स में से ठीक आंसर्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एक मतलब शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, ठीक है जी। ये इनके आंसर्स दिए हुए हैं, तीन क्वेश्चन से प्राइम नंबर के बारे में, तो उन तीनों के जो है यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं। अब ये डिफरेंट देखिए पेपर्स के अंदर आए हुए हैं,
क्वेश्चंस। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, वन है। हमने नेचुरल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी कि जब तक जीरो नहीं था तो वन तक था, तो जो नेचुरल नंबर का सेट है उसमें जीरो नहीं होता, तो स्मॉलेस्ट जो है वो वन होता है। सेकंड क्वेश्चन देखें, ये भी एक एजेंसी के पेपर में आया हुआ है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो टू है, प्राइम नंबर का सेट होता ही स्टार्ट दो से है। फिर थर्ड देखें, एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 to 50 इज, क्वेश्चन दोबारा पढ़े, एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 to 50 इज, मतलब 30 से 50 के दरमियान जो हिंसे आते हैं 31, 32, 33 एंड सो ऑन टिल 50, उनमें से जो जो प्राइम नंबर है उनकी एवरेज निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 30 to 50 के दरमियान हमें देखना पड़ेगा प्राइम नंबर हैं कौन कौन से। 31 है, 32 नहीं है, 33 नहीं है, तीन पे डिवाइड होता है, 34 नहीं है, दो पे डिवाइड होता है, 35 नहीं है, 5 पे डिवाइड होता है, 36 भी नहीं है, 37 है, हाँ जी, 30 उसके बाद 8 नहीं है, 38 दो पे डिवाइड हो रहा है, 39 तीन पे डिवाइड हो रहा है, 40 चार पे डिवाइड हो रहा है, अगला है 41, फिर 42 नहीं, दो पे डिवाइड होता है, 43 ये डिवाइड हो रहा है किसी पे नहीं, फिर 44 दो पे डिवाइड हो रहा है, 45 फाइव पे डिवाइड हो रहा है, 46 दो पे डिवाइड हो रहा है, 47 फिर 48 दो पे डिवाइड हो रहा है, 49 सात पे डिवाइड हो रहा है, एंड 50 दो पे डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 30 से 50 के दरमियान जो प्राइम नंबर हमारे पास निकले वो 5 डिजिट हमारे पास निकले हैं जो कि प्राइम नंबर कहलाएंगे, जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। अब इसकी एवरेज निकालनी है, एवरेज का फार्मूला क्या होता है, आगे चल के एवरेज को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर्स, इनको ऊपर वालों को सम करेंगे, 31, 37, 41, 43, 47 और नंबर्स के ऊपर डिवाइड कर देंगे, टोटल हिंसे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पांच पे इसको डिवाइड कर देंगे। इसको जब हम ऊपर वालों को सम करेंगे और पांच पे डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज निकल आएगी, अरिथमेटिक मीन निकल आएगा, वो निकलेगा आंसर 39.8। राइट आंसर इज 39.8, ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन यहां तक। हाँ जी, इतनी देर ही सोचना पड़ेगा, और खासकर एमओडी के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन को हल करने के लिए 30 सेकंड होंगे सिर्फ। आपने ये सारा कुछ 30 सेकंड के अंदर अंदर करना है। एमओडी को इंटेलेक्चुअल ब्रेन चाहिए जो बहुत ज्यादा तेजी से प्रोसेस कर सकते हो, वो 30 सेकंड इस तरह कर लें, बाकी क्वेश्चन जो हैं इंग्लिश के या इस्लामियात के या पाकिस्तान अफेयर के उनको आप ज्यादा जल्दी जल्दी कर लें, 10 सेकंड में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो पूछता है प्रेसिडेंट ऑफ जी ईरान, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान क्या है, अगर आपको पता है इब्राहिम रईसी है तो इसमें सी को सिलेक्ट करते, इब्राहिम रईसी को सिलेक्ट करते 10 सेकंड भी नहीं लगते टोटल, मतलब यहां से 20 सेकंड आपके बच गए।
तो ये वाले इधर ऐड होके आपका 1 मिनट भी बन सकता है, मतलब मैथ में ज्यादा टाइम लगता है तो, लेकिन नॉट मोर देन 1 मिनट। वैसे तो ऑन एन एवरेज टाइम 30 सेकंड के अंदर आपने क्वेश्चन हल करना होता है, ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो आप जल्दी हल कर सकते हैं, आपने बस पढ़ते जाना है, हल करते जाना है, जो नहीं आता उसको छोड़ते जाना है इसमें कोई। हाँ, मैथ को सबसे एंड पे करें, स्टार्ट में पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, कंप्यूटर और ऐसे पोर्शन करें, उसके बाद आखिर में मैथ और एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी में बहुत टाइम लगता है, वो वाले क्वेश्चन भी आते हैं इसके अंदर पेपर में कि एक जगह 5 लोग रहते हैं, ए बी सी डी, ए और बी अगर इकट्ठे रह रहे हैं तो सी वहां नहीं रह सकता, सी और डी इकट्ठे हैं तो ई वहां पे नहीं रह सकता, ई और ए को एक दूसरे के साथ रहना लाजमी है, इस तरह के क्वेश्चन करके एक पैराग्राफ दिया होता है और नीचे 5 क्वेश्चन होते हैं जिसको हम एनालिटिकल रीजनिंग बोलते हैं, ये भी करने होते हैं। और इन क्वेश्चन में आपको पता है कि बड़ा टाइम लगता है इनको सोचने के लिए, बट टाइम की आपने बचत कैसे करनी है, जो पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस तरह के पोर्शन है उनको आपने जल्दी जल्दी करना है 10-10 सेकंड में, और जो ये वाले मैथ और एनालिटिकल है इनको आपके टाइम ज्यादा दे देंगे। इतना कोई आसान काम नहीं है जितना इजी मैंने देखा आप लोग लेके चल रहे हैं। अब एक स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि 100 MCQ ज्यादा है डेली का, 100 MCQ अगर आपको ज्यादा लगता है तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि आप कंपटीशन की रेस के अंदर चल सकते हैं। दिन में तो कम से कम भी आपको 400 to 500 MCQs करने चाहिए, 400, 4 से 5 पेपर आपको पढ़ने चाहिए अगर आपको इस रेस में आना है, ठीक है। अभी जो चीजें मैं देता हूँ उसके अलावा भी आप लोगों को चीजें करनी चाहिए अपनी ओन के ऊपर भी, और अगर आप कहें कि अगर 100 MCQs भी ज्यादा है तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है, नहीं हो सकता है, मतलब आप वो हो जाए सिलेक्ट, अल्लाह पाक करे वो हो जाए, वो अपनी एबिलिटी को मजीद इंक्रीज करें, लेकिन जो एक इंसानी परसेप्शन है, ह्यूमन माइंड जो कहता है कि इतनी स्लो स्पीड से अगर आप चलेंगे ना वो फिर मुमकिन नहीं है। नहीं, CSS का लिए तो फिर वो और बड़ी चीजें हैं, फिर तो एक सब्जेक्ट पे कम से कम 3-3 बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, फिर तो एक दिन में आपको 7 घंटे 8 घंटे पढ़ना पड़ रहा है। ये मैं अभी MOD की बात कर रहा हूँ, ये भी CSS से कम लेवल का पेपर नहीं होता, असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है। ये पेपर जो है FPSC की जो बुक है ना, मॉडल पेपर, FPSC इम्तियाज शायद मॉडल पेपर, काफी दफा शेयर हुई है, ठीक कह रहे हैं। और आपको कम से कम भी, हाँ जी, ये ओरिजिनल पेपर है जी, ये जो MCQ आपके सामने लिखे हैं ऊपर लिखा है ADIB 2014 में, ये 2 क्वेश्चन ऊपर आए हैं, ये जो नीचे क्वेश्चन है ये ADIB 2017 में आया है, जो मैं डेली आपको पेपर देता हूँ वो ओरिजिनल पेपर, आया हुआ पेपर है, अपनी तरफ से वो बनाया हुआ, वो बच्चों वाले मॉडल पेपर नहीं है वो जो FSC में होते थे, ये वो मॉडल पेपर हैं जो आए हुए हैं पिछले सालों में, डिफिकल्टी लेवल वहां से भी आप जज कर सकते हैं या अपना कैलिबर भी आप जज कर सकते हैं कि आप अब वो किस लेवल तक जा रहे हैं, पहले आपको कितना आता था अब कितना आता है, या आखिर तक आप किस लेवल तक जाते हैं। तो आप लोगों को वो पेपर जो है साथ साथ, हाँ जो अभी अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं या वो लोग, वो तो चलें एक एक्सेम्पशन है उसके अंदर चलें आप लोग, ठीक है, डेली का सिर्फ एक पढ़ने, या मैं जो काम कह रहा हूँ, वरना जो लोग सिर्फ ही GK की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कम से कम डेली के 4 से 5 पेपर पढ़ने चाहिए। आपको पूरी बुक, एक बुक पूरी ये खत्म करनी चाहिए, कम से कम 200 पेपर होता है। इसके अलावा जो है GK कारवान एनसाइक्लोपीडिया होता है वो भी आपको करना है, लेक्चर्स हैं वो भी आपको करने हैं, आखिर 17 ग्रेड की जॉब है और एक हाईली प्रेस्टीजियस अदारों की जॉब है, वो इतनी सिंपल नहीं है मिलना, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिएगा,
मीडियन और मोड का कंसेप्ट। सबसे पहले हम मीडियन के बारे में देख लेते हैं। द नंबर विच इज इन द मिडल इज नाउन एज मीडियन। देखें, अब बात कोई बहुत मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपको पता होगा मीडियन कहते हैं किसको है तो आप सेकंड्स में निकाल लेंगे, और अगर आपको मीडियन की डेफिनेशन ही नहीं पता फिर आप चाहे उसके ऊपर आधा घंटा भी बैठे रहे आपका उसका आंसर नहीं पता चलेगा। तो मीडियन होता क्या है, ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर्स के मिड में आए उसको मीडियन बोलते हैं। लेकिन मीडियन निकालने के लिए अगर ऐसे नंबर दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे, सबसे पहले आपको उनको अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसकी तरतीब सेट करनी है। फॉर एग्जांपल ये एक जो है ऊपर मैंने सीक्वेंस दिया, इसको पहले आपको तरतीब लगानी पड़ेगी। सबसे छोटा एक है, फिर तीन है, फिर चार है, फिर पांच है, फिर छह है, फिर सात है, और फिर नौ है। इस तरह से आपने इसको तरतीब लगाई। अब इसके मिडल में देखें कौन सी वैल्यू है, ये तीन इस तरफ हैं, तीन नंबर इस तरफ हैं, तो इसकी मिडल वैल्यू क्या है, पांच। अगर आपसे वो ये इक्वेशन आती पेपर में और अगर से पूछे कि इसमें से इन नंबर्स में से मीडियन निकालें, तो आप क्या करते, सबसे पहले अरेंज करते उन डिजिट्स को एक सीक्वेंस में, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ये ऊपर यही इतने दिए हुए ना, ऊपर भी सात है नीचे भी सात है, जस्ट मैंने इनकी तरतीब सीधी की है। तरतीब सीधी करने के बाद जो नंबर दरमियान में होगा वो मीडियन कहलाएगा। मीडियन का मतलब मिडल वैल्यू, ठीक है जी। अब मैं आपको एक देता हूं इक्वेशन, उसका मुझे मीडियन बताएं। हाँ जी, इस इक्वेशन का मीडियन बताएं। ये जो मैंने नंबर दिए आपको इसका मीडियन, फोर। हाँ जी, इसको सबसे पहले आपने तरतीब देने है 2, 3, 4, 6 एंड 8। ऑल दो यहां से देख के भी लगता है कि 4 ही है, वो जो है एक्सीडेंटली 4 दरमियान में ही पड़ा है, लेकिन सबसे पहले आपने उसको तरतीब लाजमी देनी होती है, वरना आपका जवाब गलत होने का अंदेशा हो सकता है। आप इसे तरतीब देंगे 2, 3, 4, 6, 8, एक जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में, और दो हिस्से ये हो गए, दो हिस्से ये हो गए, दरमियान का हिस्सा 4 हो गया। ये इसकी मिडल वैल्यू है, ये इसका मीडियन है। नेक्स्ट आप मीडियन मुझे बताएं। इसका मीडियन मुझे बताएं, 3, 6, 5, 8। रहमान कहते हैं 5.5, मुनीब कहते हैं 6, आसिम कहते हैं 5.5। हाँ जी, इसका मीडियन 5.5 होगा। वो कैसे, जब ये सिचुएशन आ जाए कि दरमियान में कोई एक वैल्यू ना हो। पहले हम क्या करते थे कि दो इस तरफ कर लिए, दो इस तरफ दरमियान, इसका दरमियान तो बन नहीं रहा, इसको हमने साइड पे निकाल दिया, इसको साइड पे निकाल दिया, दरमियान में दो हिस्से बच रहे हैं, तो हमने क्या करना होता है, उन दोनों को जमा करके दो पे डिवाइड कर देना होता है। 6 जमा 5 डिवाइडेड बाय 2, 6 और 5 11, 11 दो पे डिवाइड हुआ तो 5.5 आंसर आ जाएगा। मतलब कि हमने एवरेज निकाल लेती है दरमियान वाले दो की। 3, 6, 5, 8 था, इसको हमने तरतीब पहले ले ली, 3, 5, 6, 8 कर लें, 5 और 6 11, 11 को दो पे डिवाइड किया 5.5।
चलें दोबारा से मीडियन निकालें। हाँ जी इसका मीडियन निकालें जी। हाँ जी 7 इसका मीडियन निकलेगा। ठीक है एक लास्ट मीडियन निकाल दें फिर। इसका मीडियन निकालें जी। ग्यारह कह रहे हैं, आसिम भी 11 कह रहे हैं, जुमान भी 11 कह रहे हैं। हाँ जी इसको हम सबसे पहले जो है एक ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए 8 को इस तरफ अगर हम लिख लें तो ये असेंडिंग ऑर्डर खुद ही बन जाएगा। 8 को अगर हम इस तरफ लिख लें तो ये देखें 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 खुद ही बन गया। 3 हिंसे ये, 3 हिंसे ये, और दरमियान वाला जो है वो मीडियन कहलाएगा। अब आ जाए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, मोड। मोड का मतलब है मोस्ट, ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो किसी डिजिटल सीरीज में, डिजिट्स की सीरीज में, उसको मोड कहते हैं। मोड के लिए जरूरी नहीं है कि आपने तरतीब देनी है, क्योंकि हमें सिर्फ वो वैल्यू चाहिए जो ज्यादा बार आई है किसी इक्वेशन में, किसी नंबर सीरीज में जो सबसे ज्यादा दफा नंबर आया है। हाँ जी तो हमें इसके लिए इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करने की, देखें फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 3, 5, 6, 2 ये एक सीरीज है, इसका मोड क्या होगा? जो हिंसा इस के अंदर ज्यादा बार आया है। 3 जो है वो 2 बार आया है यहाँ पे, बाकी सारे एक एक बार हैं, 3 2 बार है, तो इसका जो है वो मोड बन जाएगा 3, राइट। फिर हम और कोई इक्वेशन देखते हैं, उसका मुझे आप मोड बताइएगा। 3, 4, 4, 3, 6, 9, 7, 7, 3, 4, 3 ये देखें, ये एक आपके सामने डिजिट्स लिखे हैं, इसका मुझे बताइएगा मोड क्या बनता है। 3 देखें, 3 इधर सबसे ज्यादा रिपीटेड है, 3 जो है यहाँ ये रिपीट हुआ पहले, फिर ये रिपीट हुआ, फिर ये रिपीट हुआ, और फिर ये रिपीट हुआ। अच्छा अगर यहाँ पे एक मैं और अदद का इजाफा कर दूं, 4, 4 मैंने एक और लिख दिया, ठीक है, अब इसका मोड क्या होगा? थ्री एंड फोर दोनों। हाँ जी मोड के लिए अब इधर 2 क्वांटिटीज इक्वल अमाउंट में है, 3 भी 4 दफा है, 4 भी 4 दफा है, तो 3 और 4 दोनों ही मोड कहलाएंगे, दोनों को ही मोड कहेंगे। अब मुझे मीडियन और मोड निकाल के दिखाइएगा। ये जो पहली वैल्यू है इसका मुझे सबसे पहले आप मीडियन निकाल के बताएं, इसका मीडियन क्या है इस वाली का?
मीडियन निकालें। मीडियन वो वैल्यू जो मिडल के अंदर होती है। मिडल वैल्यू क्या है इस इक्वेशन की? गुड, इसका मोड 3.7 है और इसका मीडियन 5 है। मीडियन निकालने के लिए आपने इसको अरेंज किया ऑर्डर में। सबसे पहले आपने लिखा 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 4 5 7 7 8 मिडल वैल्यू हम देखेंगे तो वो निकलेगी 5। और इसी इक्वेशन का अगर आपने मोड देखना हो तो मोस्ट रिपीटेड 3 इस वैल्यू में 2 दफा है और 7 भी इस वैल्यू में 2 दफा है। तो इसका जो एक दी हुई है इक्वेशन, इसके अंदर जो मोड है वो 3 और 7 बनेगा। अब नीचे वाले के ऊपर आ जाएं। नीचे का पहले मीडियन निकालें और फिर मोड निकालें। मीडियन निकालने पहले, मीडियन निकालने के लिए इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा ऑर्डर में। 2 सबसे छोटा है, उसके बाद 10, फिर 10, फिर 12, फिर 20 और फिर 22। 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ जी, ये 2 एक साइड पे हो गए, 2 एक साइड पे हो गए, दरमियान में 10 और 12 पड़ रहा है। दस और 12 को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें तो इसका जो मीडियन है वो 11 निकलेगा। हाँ जी, 11। और अगर इसका मोड देखें तो मोड जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू यहाँ पे 10 है, 2 दफा आया है, तो इस इक्वेशन का जो मोड है वो 10 होगा। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन आपको अगर ये कंसेप्ट पता होंगे तो पेपर में नंबर पूरा है, नहीं पता होंगे तो वो नंबर 0 है। ठीक हो गया जी, मेरा ख्याल है यहां तक बस करते हैं, कल मजीद हम नेक्स्ट चीजों को देखेंगे। तो यहां तक बताइएगा कोई आपको चीज समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का। चलें, गुड हो गया, क्लियर हो गया। और कल आप लोगों का टेस्ट है 5 पेपर्स का, मॉडल पेपर नंबर 7 to 11 का, ठीक है, उसकी तैयारी करें और कल जो है वो टेस्ट दें। साथ में अब मैथमेटिक्स हमारा स्टार्ट हो गया है तो उन पेपर्स में जो मैथमेटिक्स होगा, कल के पेपर में वो नहीं होगा, लेकिन उसके बाद से जो पेपर में आपको साइन करूंगा उसका मैथमेटिक्स भी आपने करना होगा, सॉल्व करना होगा। ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप, उसके अंदर डिस्कस करें आपस में, मेरे से पूछ लें कि किस तरह से क्वेश्चंस को हल करना है, आपस में एक दूसरे की आप हेल्प कर सकते हैं। तो एंडा सेम मैथ के क्वेश्चन आपने हल करना होंगे, ठीक है। बस कल के पेपर में आपको जो कल का टेस्ट होगा उसमें एक्सेम्पशन दी जाती है कि उसमें नहीं पूछा जाएगा, बाकी पेपर में आपसे एंडा से मैथ के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है जी। चलें, बेहतर हो गया जी, अल्लाह हाफिज़।